नमस्कार, फास्ट समाचार न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आरती सिरवी। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। स्थानीय केशव वाटिका में महिला सुरक्षा एवं स्वास्थ्य रक्षा शिविर का आयोजन किया गया। शिविर प्रशिक्षण एवं योगाचार्य श्री राम दांगी ने बताया कि वर्तमान समय को देखते हुए महिलाओं को आत्मरक्षक बनाने के उद्देश्य से इस शिविर का आयोजन किया गया है। 7 दिवसीय शिविर में महिलाओं और बालिकाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। कार्यक्रम के प्रारंभ में दीप प्रज्वलित कर श्रीमती रोहिणी वंशी ने सरस्वती वंदना प्रस्तुत की। शिविर में प्रशिक्षण लेने वाली महिलाओं बालिकाओं को लाठी चलाना, नान चाकू चलाना और अन्य स्वयं की आत्म सुरक्षा करने के गुर सिखाए गए। मैंने शिविर में आगे आत्मरक्षा करना सीखा और सेल्फ कॉन्फिडेंस लाना सीखा, लाठी चलाना सीखी, चेयर स्टिक चलाना सीखी, कराटे सीखी, खुद का बचाव कैसे करें वो भी सीखी। आपने आपको यह शिविर में आने में कैसा लगा आपको? मुझे शिविर में आगे बहुत कॉन्फिडेंस मिला, बहुत ही अच्छा लगा। आपको किसने मतलब यहाँ भेजा है? आपके पापा मम्मी ने भेजा है? आप खुद स्वयं आई हैं यहाँ पर? मैं स्वयं आई हूँ, मेरे पेरेंट्स का भी बहुत ज़्यादा सहयोग मिला। तो महिला सशक्तिकरण को लेकर ये कार्यक्रम किया जा रहा है। आज जो समाज में महिलाओं के प्रति जो आज समाज की भावना है, किसी न किसी रूप में महिलाओं को आज भी किन्हीं किन्हीं परिवारों में नीचा देखा जाता है। तो ऐसी महिलाओं को समाज में बाहर लेकर आए और उन्हें आत्मनिर्भर और स्वस्थ जीवन मिले, ऐसे उद्देश्य को लेकर हमने ये कार्यक्रम यहाँ पर प्रशिक्षण का कार्यक्रम रखा। और हमारे स्वर्गीय दादाजी श्री चरण लाल जी भावसाल जी की स्मृति में हमारे ये भावसाल परिवार की ओर से ये कार्यक्रम रखा गया है यहाँ पर। विजय विद्रोही के साथ ओम प्रकाश चौरसिया की रिपोर्ट।